मतलब उस एक्टर से कामयाब हुई खर्चा तो नहीं बोला के बस है एक दो तीन चार पांच मोटर 60 वोल्ट 1.5 किलोवाट गियरबॉक्स कंट्रोलर बैटरी पैक 60 वोल्ट 75 एच चल लगाओ का कार लगाओ थोड़ा सा अगले में नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज मैं आपको एक पावर टिलर दिखाने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी मेहनत के बाद बनाया है, समय भी लगा और ये आपके सामने है। पहले तो एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिए इसका।
कुछ इस तरह से है। ये इसके ग्रिप के लिए, जब गिल्ली मिट्टी हो जाती है ना तो इसके अंदर अटक जाती है, सूखी में ऐसा नहीं होने वाला। और रेत हो चाहे आपकी मिट्टी टाइप हो, कुछ भी हो, वहाँ पर ये चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब लोड लेगा तो रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैंने आपको लोड देके भी चलाया था और एक बंदे को भी उठाया था जिसका वज़न 60 किलो के आसपास है, 60 kg, फिर भी चल रहा था। अगर दो बंदे बैठ जाते हैं तब भी चलता है, ये हमने खुद चेक करके देख लिया, अच्छे से चेक करके देख लिया है। देखिए ये एक्सीलेटर है इसका, इससे ये आगे चलने लग जाता है और इसको दबा के अगर यूं हम घुमा देंगे तो ये पीछे की तरफ चलेगा। ये देखिए इसका 60 वोल्ट 1500 वाट मोटर, ये BLDC मोटर है सिवाई गोल्ड की। और ये वाला जो है वो गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स है। इसके RPM जो है ये 15वें हिस्से के कर देता है। इसके RPM मान लीजिए 3000 है, तो इसके अभी जो आउटपुट RPM मिल रहे हैं वो लगभग 200 के आसपास मिल रहे हैं। और उसके बाद डबल इसमें स्प्रोकेट लगाया है, एक ऊपर वाला छोटा स्प्रोकेट है 14 टीथ का, नीचे वाला 43 टीथ का है, उसके नीचे और भी नीचे वाला 14 टीथ का अगेन, और नीचे 43 टीथ का। तो इस तरह से इसके RPM जो है बहुत कम किए गए हैं। जब RPM रिड्यूस होंगे तभी कोई भी प्रोजेक्ट जो है सक्सेस होता है। इस तरह से जब RPM ज़्यादा होंगे तो आप ये लगा लीजिए कि प्रोजेक्ट सक्सेस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भाई लोग हब मोटर के बारे में बात करते हैं कि हम हब मोटर लगाएंगे इस तरह के प्रोजेक्ट में, तो भाई जी हब मोटर जो है वो चल ही नहीं सकती। जब तक RPM कम नहीं होंगे तब तक प्रोजेक्ट सक्सेस होने वाला है ही नहीं। ये देखिए इसका कंट्रोलर, और इसमें अगर कोई फॉल्ट होता है तो इसके सामने की इंडिकेटर जो हो ऑन हो जाएगी, थ्रोटल कंट्रोलर मोटर ओवरलोड। अगर ओवरलोड होगा तो ये इंडिकेटर ऑन होगा, मोटर में ये, कंट्रोलर में ये और थ्रोटल में ये। ये इसका बैटरी पैक है 60 वोल्ट में 75 Ah लिथियम फेरोज फॉस्फेट अलाई FePO4। इसमें जो काम करता है ये लगभग 8 से 10 घंटे आराम से चलता है लोड डाल के। इसमें 5 फाले लगे हुए हैं अभी, अगर इससे थोड़े बड़े साइज के लगाना चाहते हैं तो 3 लग जाते हैं, मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। और अगर फाले हटा के आप ब्लेड लगाना चाहते हैं एक ब्लेड, तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से इसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। टॉर्क और बता दूं, इसका RPM जो है यहाँ पर लगभग 25 के आसपास RPM है, 23 से 25 RPM पर मिनट होते हैं ये। और इसका रेटेड टॉर्क जो है वो 600 Nm है, 600 Nm। जब इसका टॉर्क हाई होगा तभी इस तरह का प्रोजेक्ट जो है सक्सेस होने वाला है। हब मोटर में क्या होता है कि टॉर्क नहीं होता, वो स्पीड के लिए बनी है, वो रोड पे ही चलेगी, वो इस तरह के प्रोजेक्ट में नहीं चलेगी। और ये वाली मोटर जो है आप इसके RPM रिड्यूस करके आप इसको जहां मर्जी यूज़ कर लो। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जहां आप इसको यूज़ कर रहे हैं वहां ये पर्याप्त रहेगी या नहीं, आपको पावर और ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, टॉर्क वगैरह। ये 1500 वाट की मोटर यानी कि 2 HP इलेक्ट्रिक का 2 HP, अगर यही हम मोटर घटा के इंजन रखते हैं तो लगभग 5 HP का इंजन आपको रखना पड़ेगा, 5 HP का। तो उसकी बजाय ये 2 HP की 1.5 kW की मोटर काम दे देती है। हवा चल रही है, आवाज़ तो उतनी साफ आ नहीं रही होगी, लेकिन क्या करें, हवा तो चलेगी। बाकी देख लीजिए किस तरह से क्या डिज़ाइन है इसका। यहाँ पर जो है इसको स्टैंड करने के लिए लग जाता है एक डंडी टाइप लोहे की, और पीछे की तरफ एक पहिया लग जाता है, इसको बैलेंस करके चलेगा, जितना लगाना चाहें उतना ही लगेगा। पहिया अभी हमने हटा रखा है लेकिन वो लग जाता है इसमें। अभी मैंने आपको चला के दिखाया हर तरह से लोड डाल के, इसलिए मैंने वो पहिया हटा रखा है। इसका हैंडल है पूरा लंबा यहाँ तक। इसकी पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी देखिए ये हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया है, इस पर अभी हमने टेस्टिंग वगैरह की है, पहले भी की है और आज मैंने आपको चला के दिखाया है। अभी कुछ दिन और चलेगी इसकी टेस्टिंग, जब ये प्रॉपर फाइनल रेडी हो जाएगा कि हाँ
अभी हम इसको किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं, अगर कोई बनवाना चाहे तो वो बनवा सकता है, लेकिन वो बाद में हो पाएगा, अभी हम नहीं बना के देंगे, अभी तो खाली टेस्टिंग की है। ये बैटरी पैक है इसका, प्रॉपर पैक किया हुआ है। मोटर जो है वाटरप्रूफ है, मोटर पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, कंट्रोलर वाटर रेजिस्टेंट है, मोटर पे पानी गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है। हैवी वायर इसका लगाया है, और ये मेन पावर सप्लाई वाला है, सारे के सारे मोटे वायर हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मोटर भी चलाई हमने, कोई ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की फुल्की तो देखी होगी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी तो गर्म होगी, लेकिन मैं टच कर पा रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्राइस जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी स्टार्टिंग प्रोजेक्ट बनाया हमारा, तो उसमें पैसा तो ज़्यादा लगता ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें बर्बाद चली जाती हैं, कुछ कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता ही है पहली बार में, उसके बाद कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ देख सकते हैं। ये पीछे की तरफ भी चलता है, पीछे में जो हाफ स्पीड है, फॉरवर्ड में ज़्यादा स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा है फॉरवर्ड में, रिवर्स में इसकी हाफ है। ये ऑन ऑफ करने के लिए चाबी लगा रखी है। ये जंक्शन बॉक्स है, ये चार्जिंग का सॉकेट है। चार्जिंग टाइम जो है वो आप ये लगा लीजिए कि लगभग 7.5 घंटे में ये चार्ज होती है। अगर फास्ट चार्जर से चार्ज करना चाहते हैं तो 2.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। बैटरी कैपेसिटी 60 वोल्ट में 75 Ah, 4.5 किलोवाट आवर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।